नमस्कार। केंद्र की सत्ता में जब मनमोहन सरकार थी तो विरोधी आरोप लगाते थे कि ये सरकार 10 जनपद से चलती है, यानी पीएम भले ही मनमोहन सिंह हो, सत्ता की कमान सोनिया गांधी के हाथों में। लंबे समय बाद अब कुछ ऐसा ही पंजाब में होता दिख रहा है, जहां भी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस आला कमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उसे देखकर भी लग रहा है कि सीएम भले ही चरणजीत सिंह चन्नी हो, लेकिन पीछे से लगाम पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, पंजाब की सियासत में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की जितनी भी तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आ रही है, हर तस्वीर चीख चीख कर बोल रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी से ज्यादा तो सिद्धू खुश नजर आ रही है। वो भी इतने खुश कि ये तक भूल जा रहे हैं कि चन्नी अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और सिद्धू सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू सरेआम चन्नी के कंधों पर हाथ रखे हुए नजर आए, जैसे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं दोस्त हो। बात यहीं तक रहती तो गनीमत होती। सिद्धू तो जोश जोश में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी की पीठ भी थपथपाते हुए नजर आए। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही सीएम चन्नी की रही हो, लेकिन ज्यादातर सिद्धू ही बोलते नजर आए। मैनू बहुत खुशी है कि जो मैं पिछले दो दिनों दे विच इस निमाणे और मत उच्ची वाले चीफ मिनिस्टर नाल महसूस किया, मैं पिछले 17 साल की राजनीति दे विच कदे महसूस नहीं किया, क्योंकि महसूस ही हुण होया कि कांग्रेस लोकां दी निरपै होके बिना पन्ने सेवा कर सकती है। और मैं वधाई दिना इस छोटे भरा नूं, चीफ मिनिस्टर साहब नूं, भाजी नूं, सब नूं मेरिट ऑनर करांगे। धर्म दी जयकार होएगी, सच जितेगा, हक सच दी लड़ाई कांग्रेस दा हर वर्कर करेगा, और फिर इंसाफ लोक अदालत जरूर होएगा। लोकां दे विच ही परमात्मा वसदा, द क्रिएटर लिव्स इन हिज क्रिएशन, और उदी कुदरत दी सेवा साडा धर्म भी है, साडा फर्ज भी है। और मैं वधाई दिना चरणजीत सिंह चन्नी छोटे भरा नूं, चीफ मिनिस्टर साहब नूं, कि ओह सच्ची सेवा कर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सीएम चन्नी जहां जहां भी गए, उनसे आगे आगे नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए, जैसे मानो वही सूबे के मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जब गुरुद्वारे में पहुंचे तो यहां भी नवजोत सिंह सिद्धू बड़ी ही आसानी से पहचाने जा सकते। लेकिन चन्नी के बारे में पंजाब के पत्रकार मान अमान सिंह चिन्ना को कहना पड़ गया कि इस तस्वीर में सीएम को ढूंढ कर दिखाओ तो जाने। चन्नी के सीएम बनने के बाद जिस तरह से सिद्धू आगे आगे कूद रहे हैं, उनकी इसी उछल कूद पर दैनिक भास्कर ने नसीहत देते हुए खबर छाप दी कि गुरु हाथ संभालो, चन्नी मुख्यमंत्री भी हैं। पंजाब के पत्रकार मान अमान सिंह ने इसी खबर को शेयर करते हुए सिद्धू को आगाह किया कि एक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ही होता है, चरणजीत सिंह चन्नी को ये हाथ हटाने में ज्यादा देर नहीं लगी, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़कर जब से कांग्रेस में आए हैं, तब से पार्टी आला कमान उनकी हर मुंह मांगी मुराद पूरी कर रही है। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया, फिर उसके बाद धीरे से कैप्टन अमरिंदर को भी उनके रास्ते से हटा दिया और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, जिससे खुद चन्नी तो कम लेकिन सिद्धू ज्यादा खुश दिख रही है। क्योंकि ये बात शायद वो भी जानते हैं कि 2022 में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो कैप्टन को हटाना मुश्किल होगा, लेकिन चन्नी को वो चाहे तो चुटकी में हटा सकती है। और अब तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि चन्नी भले ही मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सिद्धू के चेहरे के साथ ही कांग्रेस मैदान में उतरेगी। यानी सिद्धू के मन में भी कुछ महीने बाद ही सही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की आकांक्षा बलवती होती नजर आ रही है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू क्यों इतने उत्साहित दिख रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।